हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कंपटीशन न्यूज़ में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 69,000 भर्ती की पल पल की अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज सरकार ने यहां पे 69,000 भर्ती पे अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है, तो मैं आपको बताने वाला हूं सरकार ने क्या कहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के विषय में जो भी अपडेट आती है सबसे पहले आपको हमारे चैनल कॉम्पिटिशन न्यूज़ के माध्यम से दे दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, बेसिक स्कूलों में जल्द होगी 69,000 शिक्षकों की तैनाती। तो दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, 59 नहीं, यहाँ पे 69,000 यानी कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती। ये अखबार में गलत प्रिंट हो गया, तो देख लेते हैं दोस्तों। अनुपमा जायसवाल जी, आप जानते हैं, यहाँ पे शिक्षा मंत्री, यहाँ पे बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल जी, उन्होंने बड़ी बात कही है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने शनिवार को कहा कि शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए 69,000 यानी कि दोस्तों 69,000 शिक्षकों की तैनाती जल्द होगी। अंग्रेजी स्कूलों में भी शिक्षकों का चयन समायोजन के जरिए हो रहा है। उन्होंने ये बात अवध यूनिवर्सिटी के स्वामी विवेकानंद सभागार में स्कूल चलो और बालिका सुरक्षा जागरूकता अभियान में कही। और दोस्तों, देख लेते हैं, और बाकी का यहाँ पे सफाई से रिलेटेड खबर है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है स्पेशल अपील करने की। और दोस्तों, कल ही मैंने आपको वीडियो बना के बता भी दिया था कि सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्पेशल अपील कर दी है। बीएड के लिए भी 25वां संशोधन बेसिक शिक्षा नियमावली में कर दिया गया है, अब बीएड को भी कोई खतरा नहीं है। अदालत में पूरे जवाब सरकार ने तैयार कर लिए हैं कि क्या जवाब देना है और कैसे यहाँ पे 90-97 का पक्ष रखना है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 69,000 शिक्षकों की तैनाती जल्दी हो जाएगी और 5 सितंबर नियुक्ति दिवस के रूप में मनेगा? क्योंकि दोस्तों, 5 सितंबर को यहाँ पे आप लोग जानते हैं टीचर्स डे होता है, शिक्षक दिवस होता है। तो क्या आपको लगता है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर आप लोगों को भी यहाँ पे नियुक्ति मिलने जा रही है? तो फिलहाल दोस्तों, कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या यहाँ पे मंत्री जी की बात पे आप भरोसा कर सकते हैं या नहीं। फिलहाल दोस्तों, वीडियो में इतना ही। कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि छोटी से छोटी अपडेट भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।